गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ माई सेल्फ रचना बोई बिहाफ ऑफ द रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल वेलकम टू ऑल बच्चों आज हम एक बहुत सी सुंदर सी कविता सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है फूल और कांटा और इस कविता के लेखक हैं कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंध जो कि हिंदी कविता के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय स्थान रखते हैं आओ बच्चों उनके बारे में जानते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंध का जन्म निज़ामाबाद ज़िला आजमगढ़ में सन 1865 ईस्वी में हुआ था हरिओंत उनका उपनाम है इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय था ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके थे इनको प्रिय प्रवास नामक ग्रंथ पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था इनकी साहित्य सेवाओं से प्रभावित होकर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें विद्यावाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया था सन 1947 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ था तो आगे बढ़ते हैं तो बच्चों आप जब भी कभी फूलों के बगीचे से गुज़रते हैं तो सदा फूलों की सुगंध लेने की कोशिश करते हैं उनकी सुंदरता को निहारते हैं उनकी तारीफ करते हैं उन फूलों को तोड़कर घर ले जाते हैं लेकिन वही फूलों के बगल में कांटे भी होते हैं इनमें तो कोई दिलचस्पी नहीं रखता कोई इनकी प्रशंसा नहीं करता आखिर क्यों तो इस क्यों का जवाब मिलेगा हमें इस कविता में फूल और कांटा अभी हम इस कविता को पढ़ेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे है जन्म लेते जगह में एक ही एक ही पौधा उन्हें है पालता रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता तो फूल और कांटे दोनों एक ही जगह पे जन्म लेते हैं एक ही पौधा उनको सींचता है जिंदगी देता है एक ही चांद है जो अपनी चांदनी एक जैसी उन पर बिखेरता है चांद फूल और कांटे में कोई अंतर नहीं करता क्या चांद फूल और कांटे में कोई अंतर नहीं करता पौधा उन्हें पालने पोसने में कोई अंतर नहीं करता बराबर आगे है मेह उन पर है बरसता एक सा एक सी उन पर हवाए हैं वही में अर्थात बादल बादल भी उन पर एक ही तरह बरसते हैं बादल अपना पानी देने में कोई भेदभाव नहीं करता कि फूलों पर ज़्यादा पानी छिड़क दिया जाए कांटों पर रहने दिया जाए हवाएं भी उन पर एक ही तरह बहती है जैसे कि फूलों को अच्छी हवा दे दी जाए और कांटों को टाल दिया जाए बराबर आगे है पर सदा ही यह दिखाता है हमें डंग उनके एक से होते नहीं लेकिन यहाँ पौधा हो चाहे बादल हो चांद हो या चाहे हवा ये सारी चीज़ें जब फूल और कांटों में भेदभाव नहीं करती तो फूल और कांटे के डंग में इतना अंतर क्यों है फूल और कांटे एक अलग अलग तरह का जीवन जीते हैं प्रकृति उनको बड़ा करने में जन्म देने में कोई भेदभाव नहीं करती फिर भी दोनों के काम बहुत अलग है ये सारी चीज़ें हैं उनको पालने पोषने में कोई भेदभाव नहीं करती फिर भी फूल और कांटे दोनों के काम बहुत अलग है आइए अभी देखते हैं कि कांटा क्या क्या काम करता है और फूल क्या क्या काम करता है छेद पर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन वर वसन अर्थात वस्त्र कपड़े कांटा जो है किसी की उंगली में छेद कर देता है उंगलियों में धस जाता है उंगलियों को चोट पहुंचाता है यहाँ तक कि खून तक निकलने लगता है कोई दुपट्टा या कपड़ा कांटे में फंस जाता है तो वे तुरंत उसे फाड़ देता है आगे है प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर पर अर्थात पंख कतर यानी काटना जो तितलियाँ प्यार में डूबकर उस कांटे के पास जाती है उन तितलियों के परों में भी छेद कर देता है पंख पर यानी पंख पंख को नुकसान पहुंचाता है उन पंखों को काट देता है तितलियां दुखी हो जाती है बराबर आगे देखो बौर का है बेद देता श्याम तन श्याम अर्थात काला बौरा कैसा होता है काला होता है आप सबने बौरा देखा होगा तन यानी शरीर वह काले भौरे का भी शरीर बेद देती है यानी उसमें भी वो चुभ जाता है अर्थात कांटे के सारे काम नकारात्मक है कभी किसी की उंगली में छेद कर देता है तो कभी किसी के वस्त्र फाड़ देता है तितलियों के पर कतर देता है भौरे के शरीर में चुप कर उन्हें दर्द देता है इस तरह के काम करता है ये कांटा इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता दूसरी तरफ फूलों का कार्य देखते हैं फूल लेकर तितलियों को गोद में भौरे को अपना अनूठा रस पीला फूल तितलियों को अपनी गोद में लेकर प्यार देता है ऐसा लगता है कि वो अपनी गोद में उन्हें झुला रहा है भौरे को वो अपना अनूठा रस देता है फूलों का जो रस होता है वो तितलियों और भौरों को बहुत अच्छा लगता है इसलिए जैसे ही वो फूल के पास जाते हैं फूल उनसे बहुत प्यार दिखाता है आगे देखो बच्चों निज सुगंधी औ निराले डंग से निज यानी अपनी सुगंध औ यहाँ पे जो अव दिया है वो और का शॉर्ट फॉर्म है और मतलब एंड फूल जो है अपनी प्यारी सुगंध और अपने प्यारे निराले रंग से है सदा देता कली जी को खिला यहाँ कली खिलना ये एक मुहावरा है यानी सबको खुश कर देना फूल अपनी सुगंध और सुंदर रंग से सभी के मन को खुश कर देता है बगीचे में जाते ही सभी लोग फूलों की सुगंध से खुश हो जाते हैं उनके रंग से उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और मुंह से तारीफ किए बिना नहीं रहते तो इस तरह फूलों के सभी काम सकारात्मक है उसके कर्म महान है वो दूसरों की सदा मदद करते हैं दूसरों को सुख देता है वहीं आपने देखा कि कांटा सभी को दुख पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करता तो बच्चों आइए देखिए कि इन दोनों के इस तरह के कर्मों से उन्हें उसका क्या परिणाम मिलता है, है खटकता एक सबकी आँख में दूसरा है सोहता सुर शेष पर देखो इस तरह के कामों से कांटा सभी के आँखों में खटकता है आँखों में खटकना यानी बुरा लगना तो कांटा सभी के आँखों में खटकता है सभी को बुरा लगता है कोई इससे प्यार नहीं करता वहीं दूसरी तरफ अपने सकारात्मक कामों की वजह से दूसरा है सोहता सुरसिस यानी सिर यानी ये जो फूल है लोगों के शीस पर सोहता है यानी लोगों को अच्छा लगता है फूल जो है सभी को पसंद आता है सभी लोग उसकी बढ़ाई करते हैं सभी लोग उसके बडप्पन की महिमा गाते हैं तो आखिर एक जैसी परवरिश है दोनों में एक जैसी परवरिश है फिर भी फूलों को लोग पसंद करते हैं और कांटों को लोग बुरा भला हैं। आखिर क्यों? क्योंकि किस तरह कुल की बडाई काम दे जब किसी में हो बड़प्पन की कसर कुल यानी खानदान यानी कि आपके पूर्वजों से चला आ रहा आपका परिवार जो ये परिवार है वो बड़ाई कोई काम की नहीं है आप बहुत ही बड़े अमीर ख़ानदान से क्यों ना हो लेकिन इस फैमिली की बड़ाई आपके किसी काम नहीं आएगी क्योंकि अगर किसी में हो बड़प्पन की कसर आपके कर्मों में अगर बडप्पन की कमी है आपके काम नकारात्मक है बुरे हैं लोगों को दुख पहुंचाने वाले हैं तो फिर आपके खानदान का बडप्पन किसी काम का नहीं इस तरह कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औद कहते हैं कि मनुष्य अगर विशिष्ट कुल में जन्म लेता है बहुत बड़े खानदान में जन्म लेता है लेकिन जन्म लेने से वो बड़ा नहीं बनेगा अगर वो बड़ा बनेगा तो अपने कामों से क्योंकि काम ही पूजा है यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो दुनिया हमारी तारीफ करेगी हमें पसंद करेगी यदि हम बुरे काम करते हैं तो सभी के आँखों में खटकते हैं और बुरे कर्मों का नतीजा हमें बुरा ही मिलेगा तो बच्चों हमें इस कविता से क्या सीखना चाहिए यानी कि फूल और कांटे के माध्यम से हम सभी को यह सीखना चाहिए कि जीवन में सदा ही अच्छे कर्म करने चाहिए जीवन में सदा परोपकार करें जीवन में सदा दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाए फूलों की तरह परोपकारी बने ना तो कांटों की तरह कि सभी को चुभे सभी के आँखों में खटके सबको बुरे लगे हमें फूलों की तरह हमेशा बनकर रहना चाहिए और हमारे मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहिए बच्चों अभी आपको घर पर इस काव्य का पठन करना है और इसका अभ्यास करना है थैंक यू गुड बाय